क्या हाल चाल आप सबके। देखो बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया फोर आर्म्स की वेन्स कैसे आएंगी। देखो मैंने अभी कोई वर्कआउट नहीं किया है, नॉर्मल खड़ा हूँ, फिर भी आप हम देख रहे हो मेरी बॉडी में हमेशा वेन्स का पंप रहता है, जाता नहीं है कभी भी। क्यों नहीं जाता, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा कैसे आप अपनी फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे आप अपनी वेन्स का लुक अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, नया कंटेंट लेके आया हूँ आप लोग के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। देखो फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वेन्स का लुक अच्छा पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फोर आर्म्स का ही वर्कआउट करना है, आपको कंपाउंड मूवमेंट भी करना हो, जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, मिलिट्री प्रेस, इन लिफ्टिंग को भी आपको अपने वर्कआउट में ऐड करना है, उसके बाद ही रिजल्ट अच्छा है। प्लस डाइट पे फोकस करना है, विदाउट डाइट कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे आपको खाने में ऊपर से नमक ऐड नहीं करना है, वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, वेजिटेबल्स अच्छे ऐड करने हैं, वाटर मेलन आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये आपको पंप अच्छा देता है। आज मैं आपको चार बेसिक वर्कआउट बताऊंगा जो हमेशा मैं अपने वर्कआउट में इंक्लूड करता हूँ फॉर बेटर पंप, मेरे फोर आर्म्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो आपको पहला वर्कआउट बताता हूँ। देखो ये है सबसे पहला वर्कआउट डंबल का, इसको आप डंबल ट्विस्टर भी बोल सकते हो या डंबल रोलर भी बोल सकते हो। फॉर्म देख लो, पूरा हाथ को खोलना है, फिर वापस इसको लिफ्ट करना है, यूं नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है। मूवमेंट आप देख लो, बेटा थोड़ा पास में ले गया, मूवमेंट आप देख लो, प्रॉपर फोर आर्म चलेगा, मूवमेंट आप देखो। चार सेट आपको लगाने हैं, 20 रेपिटेशन रखने हैं। यस, जितने आप मैक्सिमम रेपिटेशन लगाओगे छोटे मसल के साथ, उतना वो मसल फटीक होने वाला है और उतना ही जल्दी आपको अच्छा पंप आने वाला है। इसके आप 3 सेट लगा सकते हो। अब आपको बताता हूँ दूसरा। अब ये है दूसरा वर्कआउट, डंबल ट्विस्टर बोलते हैं हम इसको। इधर आप यहाँ देखो, ये आपके फोर आर्म्स को बहुत अच्छा लुक देता है, प्लस आपके फोर आर्म का साइज इंक्रीज करेगा। सबसे मेन बात, आप लोग जो ये चीज देखते हो इसको ये ट्रेन करेगा। 3 सेट 20 रेपिटेशन लगाने हैं आपको। अब आपको बताता हूँ तीसरा। अब ये है तीसरा वर्कआउट जो मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि ये आता हैवी लिफ्टिंग। आपको क्या करना है, डंबल जितना हैवी लिफ्ट कर सको। हैवी का मतलब ये नहीं है 100 किलो उठा के ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं। पोस्चर देखो, पोस्चर एकदम सीधा रहना चाहिए, चेस्ट अप रहनी चाहिए, फोर आर्म हाँ पूरा सीधा रहना चाहिए और डंबल को होल्ड करना है जितना मैक्सिमम होल्ड कर पाओ। इसको आप अगर एक हफ्ता या सॉरी इसको अगर आप 4 हफ्ते में लगातार ट्राई करोगे ना, लगातार इन द सेंस हर 2 दिन के बाद एक बार, हर 2 दिन के बाद एक बार, तो आप खुद देखना आपकी फोर आर्म में कितना अच्छा स्ट्रेंथ आएगा, प्लस बहुत अच्छा लुक आएगा। ठीक है, इसको जितना होल्ड करना है 3 सेट मैक्सिमम होल्ड तक। अब ये लास्ट है जिसको हम बोलते हैं डंबल रिवर्स ट्विस्टर। अब ये देखो, आज मैंने आप लोग को 4 वर्कआउट बताए हैं, तो आपको 4 ये डेली नहीं करने हैं, आप 2 करेंगे एक दिन, 2 करेंगे एक दिन। आप इस तरह चाहे तो हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो या मैक्सिमम 3 बार ट्रेन कर सकते हो, पर डेली ट्रेन नहीं करना है फोर आर्म्स को। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, प्लस अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए। थैंक यू।